वैसे सर टैप किसे कर रहे हैं, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही। क्या अजय नहीं बनना चाहते थे एक्टर? क्या है अजय देवगन के लकी सिक्के की कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग और नशीली आंखों से सबको दीवाना बना दिया। नहीं पहचान पाए? हम बताते हैं, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन है, जिनकी एक्टिंग की चर्चा बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई करता है। लेकिन क्या आप जानते थे कि अपनी एक्टिंग से सबको मदहोश कर देने वाले अजय देवगन कभी एक एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अजय देवगन इस समय बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन वो कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उनका सपना था एक फिल्म डायरेक्टर बनना। आपको बता दें कि अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कैमरा दिलाया था। अक्सर वो अपने पिता के साथ शूटिंग पर जाया करते थे। वहीं शूटिंग के दौरान छोटी छोटी वीडियोज रिकॉर्ड करते करते अजय का इंटरेस्ट फिल्म डायरेक्शन में बढ़ने लगा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चलती है, वो अजय देवगन को कैमरे के पीछे नहीं बल्कि कैमरे के सामने रखना चाहते थे, जिसके रिजल्ट में आज अजय देवगन एक ब्रांड बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन के पास एक ऐसा सिक्का है जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी है? ये कहानी अजय देवगन के करियर की शुरुआती दिनों की है। अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे के रिलीज होने के बाद अजय उसे देखने बांद्रा के गैलेक्सी सिनेमा घर में गए थे। उस समय लोग फिल्म में हीरो की एंट्री पर सीटी बजाते और सिक्का उड़ाते थे। वहीं जब पर्दे पर अजय की एंट्री हुई तो कुछ लोगों ने सिक्के फेंकना शुरू किया, जिसमें से एक सिक्का अजय देवगन की गोद में आ गिरा। शायद उसी सिक्के का नतीजा है कि अजय बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देते गए। 1996 में आई दिल जले अजय देवगन का करियर की उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, और अब फिल्म के डायरेक्टर हैरी भवेजा इसका सीक्वल के साथ जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल जले 2 को लेकर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी कुछ बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।